आज गणेश चतुर्थी पर हर घर गणपति बप्पा विराजमान हो रहे हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर भारत में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। 10 दिनों तक चलने वाला इस उत्साह में लोग अपने घर में गणपति बप्पा का स्वागत जोर शोर से कर रहे हैं। वही राजनीति से उठकर नेता भक्तिमय माहौल में लीन दिख रहे हैं। इस त्यौहार की रौनक पूरे देश भर में अलग ही देखने को मिल रही है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने आधिकारिक आवास वर्षा में गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा अर्चना की। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने खैरताबाद में गणेश पूजा कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने परिवार के साथ अपने आवास पर ही बप्पा की पूजा अर्चना की और देशवासियों को गणेश चतुर्थी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। की क्या मांगा गणपति बप्पा से? अरे गणपति बप्पा से क्या मांगने की जरूरत नहीं, गणपति बप्पा का मनोभावे पूजा करो और श्रद्धा से गणपति बप्पा का स्थापना करो। अभी ये महाराष्ट्र में गणेश उत्सव शुरू हुआ है, गणपति बप्पा का आगमन हुआ है और सभी लोग इंतजार कर रहे थे गणपति बप्पा के आगमन की। आज आगमन हुआ है, कल ही से गणपति, पर 2 दिन पहले से गणपति आना शुरू हो गया और आज सभी जगह पे मनोभावे श्रद्धापूर्वक आरती हो रही है, स्थापना हो रही है और इसलिए सभी राज्य के सभी जनता को, गणेश भक्तों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। गणपति बप्पा का अखंड कृपा छत्र सभी के ऊपर रहे, सभी के जीवन में सुख समृद्धि आनंद आए ऐसी कामना करता हूं। मेरे किसानों के जीवन में भी आनंद आए, अच्छी बारिश हुई है और उनका जीवन भी सुख समृद्ध हो, अच्छी खेती हो जाए। कई जगह पे बारिश ज़्यादा हुई है, उन किसानों के पीछे सरकार खड़ी रहेगी, उनको भी मदद करेगी और सभी लोग, इस राज्य के सभी वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने 2 साल में कुछ योजनाएं बनाई है, विकास का पर्व लाए हैं। मैं विकास के बारे में आज कुछ डिटेल में नहीं कहूँगा, लेकिन लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले जैसे प्रकल्प जो है मुंबई में, महाराष्ट्र में शुरू है और उसके साथ ही उद्योग आ रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, लोगों के हाथों को काम मिलेगा, युवाओं को काम मिलेगा और उसी के साथ मुख्यमंत्री माझी लाडली बहना योजना, जैसे लेक लाड़की लखपति है, कई योजनाएं हैं महिलाओं को सक्षम करने के लिए, उस योजना को भी लाया है। विकास और कल्याण, ये दोनों को जोड़ने की कोशिश हमने की है। निश्चित रूप से हमारे बहनों के, हमारे भाइयों के, हमारे किसानों के, हमारे ज्येष्ठ लोगों के जीवन में जरूर बदलाव आएगा, उनका जीवन सुख समृद्ध आनंदमय हो जाएगा और गणपति बप्पा का बप्पा की कृपा सभी लोगों पे बनी रहे ऐसी मैं कामना करता हूँ और सभी गणेश भक्तों को शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, बहुत ही खुशी का पर्व है हम सभी के लिए, विशेष रूप से महाराष्ट्र में। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है और देश में भी उत्साह है, क्योंकि गणेश जी हमारे इष्ट देव है और गणेश पर्व सभी के लिए खुशियां लाता है। मैं गणेश जी से तो इतना ही प्रार्थना करूंगा कि गणेश जी सभी के जीवन में सुख समाधान आरोग्य ऐश्वर्य लाए और वो विघ्न हरता है तो हमारे प्रदेश के सामने, हमारे देश के सामने जो विघ्न है उन विघ्नों को वो हरे।